नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है पारस सैनी और आज हम बात करने वाले हैं फॉक्सवैगन टाइकून टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के बारे में। पर्टिकुलर बात करें तो ये अपडेटेड मॉडल है जिसमें आपको कुछ नए एड ऑन फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या प्राइस रहने वाली है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कितना स्पेस मिल जाता है और फॉक्सवैगन की टाइकून या फिर फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन NCR ईस्ट गाजियाबाद। तो देखो यार, की कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिल जाती है, लॉक अनलॉक एंड इसको आप दबाते हैं तो आपका बूट ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब दोनों ही आपको सेंटर लॉकिंग की मिलती हैं फ्लिप की के साथ कुछ इस तरीके से। हालांकि इसमें कीलेस एंट्री एंड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का फंक्शन मिलता है, बट ये जो पर्टिकुलर की है ना, ये आपकी जब की बैटरी डाउन हो जाती है उस टाइम पे ये आपको वर्क करती है। तो बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो देखो यार, फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको LED बाइजेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है। ये सिंगल प्रोजेक्टर में ही आपकी हाई बीम एंड लो बीम आपको दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ आपको ये नॉर्मल डमी मिलता है, यहाँ इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, DRLs और इसी के साथ नीचे की साइड आप देख सकते हैं इसमें आपको फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं विथ स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। बेसिकली स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन आखिर होता क्या है, मानकर चलिए आपने गाड़ी चला रहे हैं एंड आपकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन है। इफ अगर आप राइट साइड या लेफ्ट साइड इधर की साइड भी आप टर्न लेते हैं, उधर की साइड का आप इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उधर की साइड का आपका फॉग लैंप ऑन हो जाता है एंड इधर की साइड की विजिबिलिटी को एनहांस कर देता है, जिससे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। फ्रंट से लुक आप देख सकते हैं, फॉक्सवैगन बिल्कुल डिसेंट एंड एलिगेंट आपके डिजाइन बनाकर देता है। फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है विद क्रोम फिनिश के साथ, उसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको इसमें फॉक्सवैगन का 2D लोगो। थोड़ा सा नीचे की साइड हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें देख सकते हैं इसमें आपको क्रोम विंग देखने के लिए मिल जाती है, स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है। पर्टिकुलर बात करें सेगमेंट की तो ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है मिड साइज SUV सेगमेंट में। सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन है। इस सेगमेंट में आपको हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, होंडा की एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगून, स्कोडा कुशा, ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर जैसे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी गाड़ी की रहने वाली है। तो देखो यार, अपनी सेगमेंट में ये गाड़ी की जो लेंथ है इसकी लेंथ रहने वाली है 4 to 21 mm और बेस्ट इन सेगमेंट इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है इस वाले टायर से इस वाले टायर के बीच में, जो कि आपका रहता है 2651 mm का। और इतनी लंबी लेंथ और इतनी अच्छा व्हील बेस होने के बाद भी ये गाड़ी मात्र आपकी 5.05 मीटर टर्निंग रेडियस में टर्न हो जाती है, इवन एक टाटा नेक्सॉन से भी कम जगह में, जो कि आपकी अंडर सब 4 मीटर SUV में देखने के लिए मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसी रहने वाली है, इसमें आपको व्हील आर्चीज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 17 इंचेस के इसमें आपको डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जिनकी टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 205/55 R17। वहीं इसका बेस मॉडल एंड बेस मॉडल से ऊपर वाली वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 16 इंचेस के स्टील रिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड अलॉय व्हील्स। यहां आप देख सकते हैं इसमें आपको ORVM बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर के साथ। कीलेस एंट्री आपको देखने के लिए मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यार, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 188 mm का आपको देखने के लिए मिल जाता है। अपार्चर एंगल और डिपार्चर एंगल भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरीन आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आपको भरपूर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो की नीचे की साइड आपको यहाँ पे क्रोम बैकलाइन देखने के लिए मिल जाती है, कीलेस एंट्री देखने के लिए मिल जाती है, डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड एंड यहाँ से आपको क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं इसमें आपको फंक्शनल रूफ रेल मिल जाती है, सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना। गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं कैसा इसमें आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। तो यार, सबसे पहले हम कर देते हैं गाड़ी का इग्निशन बंद कुछ इस तरीके से। ड्राइविंग साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको डुअल टोन में आपको ड्राइविंग साइड डोर देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ब्लैक एंड बेज कलर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। चारों ही पावर विंडोज ड्राइविंग साइड 1 टन अप एंड डाउन के साथ देखने के लिए मिल जाती है। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आपको लॉक अनलॉक का बटन, प्रीमियम सिल्वर फिनिश में इसमें आपको इनसाइड डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पर्टिकुलर बात करें इसमें म्यूजिक सिस्टम की तो इसमें आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं चारों ही डोर्स में, इसमें आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड फ्रंट ए पिलर पे यहाँ पे इसमें आपको ट्वीटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑल 4 डोर्स में इसमें आपको बॉटल होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं एंड ये इकलौती ऐसी गाड़ी है यार, इस सेगमेंट में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है और ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कि आपको ड्राइविंग साइड के साथ साथ को ड्राइवर साइड भी आपको 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्ट सीट देखने के लिए ऑफर करती है। तो देखो यार,
फ्रंट सीट जो है आपकी 1, 2, 3, 4 सिक्स वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट की आपको सीट देखने के लिए मिल जाती है। प्रॉपर बकेट सीट है, लेदर राइट सीट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट बहुत वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आती है। गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड आपको इंटीरियर दिखाते हैं कैसा कुछ इंटीरियर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो यार, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पहले मैं स्टीयरिंग एडजस्ट कर देता हूँ। बेसिकली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है विद फ्लैट बॉटम के साथ। यहाँ से स्टीयरिंग को कर देते हैं हम लॉक, गाड़ी को कर देते हैं बंद, डोर को। जैसे हम डोर बंद करेंगे तो आप इसकी थ्रेड की साउंड सुन सकते हैं। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप से। जी हाँ, ये गाड़ी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड एडल्ट के साथ साथ ये आपको चाइल्ड ऑक्यूपेंट में भी आपको 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग देती है, जिससे ये अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफ कार बन जाती है। पर्टिकुलर बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो इसमें आपको मिल जाता है 10.1 इंच का म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। जी हाँ, इसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें आपको वैले मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। पर्टिकुलर वैले मोड की बात करें तो यार, वैले मोड के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको वैले मोड की भी वीडियो पर्टिकुलर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ फ्रंट बहुत वेंटिलेटेड सीट्स के आपको स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन, ऑटोमेटिक एसी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको वायरलेस चार्जर, सी टाइप चार्जिंग सॉकेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 6 स्पीड इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसमें आपको 6 स्पीड ही ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मैनुअल लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग का पैड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ तो इसमें आपको 8 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ से आप अपनी इसके मोड्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग वे में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं मोड्स। इसी के साथ यहाँ पे इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। इस अपने म्यूजिक सिस्टम के आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपका MID के एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, और एक बार हम इसको यार FM को बंद कर देते हैं यहाँ से। कुछ यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है फोन रखने के लिए। 2 ग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट स्लाइडिंग फंक्शन के साथ विद स्टोरेज कैपेसिटी के साथ यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इल्यूमिनेटेड नीस कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ड्राइविंग साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ इसमें आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। IRVM इसमें आपको डे नाइट IRVM मिल जाता है, जो कि ऑटो डिमिंग के साथ है। इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स के भी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ आपको मिल जाती है इसमें रीडिंग लैंप्स कुछ इस तरीके से, जो कि LED हैं। यहाँ हम इसको कर देते हैं बंद। इसी के साथ सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपका वन टच ओपन है कुछ इस तरीके से। एंड ये आपका वन टच क्लोज के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है विद एंटी पिंच सेफ्टी। देखो, जैसे मेरा अपना हाथ है बीच में, जैसे मेरा हाथ आएगा ये अपने आप ही पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको एंटी पिंच सेफ्टी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप कुछ ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। कर्टेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आपको कर्टेन मैनुअली ऑपरेट देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ मिल जाता है इसमें आपको ग्रैब हैंडल्स। मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड इसमें आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो यार, मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। बाकी यार देखो, इसमें इलेक्ट्रिक सीट तो आती है। कॉमेंट्स करके बताओ, क्या इलेक्ट्रिक सीट ज्यादा कंपेटेबल है डेली लाइफ के अकॉर्डिंग में, या फिर आपकी मैनुअली एडजस्टेबल सीट, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट हो गई है एडजस्ट। यहां से मैं कर देता हूं इग्निशन को बंद एंड चलते हैं गाड़ी में हम पीछे की तरफ। तो देखो यार, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग फ्रंट सीट एडजस्ट है, और यहाँ पे मेरे को कितना अच्छा नी रूम एंड लेग रूम मिल रहा है। देखो यार, ये नी रूम एंड लेग रूम जो होता है ना, ये बेसिकली डिपेंड होता है आपका प्रॉपर व्हील बेस के ऊपर। अगर आपकी गाड़ी का व्हील बेस अच्छा है तो आपको नी रूम लेग रूम अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। रियर की साइड इसमें यहाँ पे आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, सी टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स। यहाँ मिल जाते हैं आपको रीडिंग लैंप्स देखने के लिए कुछ इस तरीके से। इधर की साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ग्लास होल्डर के साथ। ऑल 3 पैसेंजर्स के लिए आपको रियर में हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाता है। पर्टिकुलर बात करें हम पीछे 3 जने बैठने की, तो देखो यार, इसमें मिल जाती हैं आपको प्रॉपर बकेट सीट्स कुछ इस तरीके से, जो कि आपकी बेस मॉडल से ही हैं। तो इस गाड़ी में आप पीछे की साइड आप आराम से 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड ऑक्यूपेंट आप इजीली इस गाड़ी में बैठा सकते हैं। यार गाड़ी में रियर की साइड एंड रियर का आपको इसमें लुक दिखाते हैं, कैसा इसका रियर का लुक लेने वाला है।
रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी रहने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक में आपको देखने के लिए मिलती है। ऊपर की साइड आपको शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फॉक्सवैगन का लोगो, टाइगून की बैजिंग एंड TSI की बैजिंग। जी हाँ, इसमें आपको 1 लीटर का इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाड़ी का करते हैं हम बूट ओपन एंड बूट दिखाते हैं आपको कितना इसमें आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो इस गाड़ी में मिल जाता है आपको 385 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको हैजार्ड रिफ्लेक्टर, ये आपको हुक्स मिल जाते हैं कुछ यहाँ पर, इधर की साइड भी ये मिल जाते हैं आपको बूट लैंप, फर्स्ट एड किट एंड स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। किस साइज का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें मिल जाता है आपको स्पेयर व्हील 195/65 R15 का इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो कहने का मतलब यार, टॉप मॉडल में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिल रहा है, लेकिन स्पेयर व्हील आपको वही 15 इंचेस का ही देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी के फ्रंट में चलते हैं एंड इसके इंजन के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या इंजन मिल जाता है, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। तो चलते हैं यार गाड़ी में फ्रंट की तरफ। आइए यार बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले कर लेते हैं यार बोनट ओपन कुछ इस तरीके से। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आता है, तो काफ़ी हैवी बोनट है। किसी भी तरीके का इसमें आपको कोई इंसुलेशन देखने के लिए नहीं मिलता। 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है लगभग आपकी 115 PS एंड 178 Nm ऑफ टॉर्क। 178 Nm का टॉर्क जो है ना, वो इस गाड़ी में आपको लगभग 1750 RPM से लेकर 4500 RPM तक मिलता है। और ये 1 लीटर का इंजन कैपेबिलिटी रखता है 1.5 लीटर इंजन के, जो आपका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, उसको बीट करने की। 3 सिलेंडर इंजन में मार्केट में जो भी इंजन आते हैं इस प्राइस रेंज में, सबसे ज़्यादा रिफाइन एंड आपका रिलायबल इंजन में से ये एक है। तो गाड़ी का बोनट कर देते हैं बंद, बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की। तो ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है लगभग आपकी 16,30,900 रुपये एक शोरूम प्राइस। पर्टिकुलर टाइगून टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो मैंने आपको प्राइस बताया। ऑटोमेटिक के लगभग आपके 1.5 से 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। तो यार यही थी आज की वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड फॉक्सवैगन की टाइगून पर्टिकुलर या फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन NCR ईस्ट गाजियाबाद। तो यही थी वीडियो। वीडियो भी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।